हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 14 प्लस 24 जो कि आपको इक्वल दिया गया है 38 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 21 प्लस 25 जो कि आपको इक्वल दिया गया है 92 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 62 प्लस 75 जो कि आपको इक्वल दिया गया है 822 के इक्वल दिया गया है। और आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 52 प्लस 48 किस चीज के इक्वल होगा, ये आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है। आप अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 14 प्लस 24 जो कि आपके पास इक्वल होगा 38 के इक्वल होगा, और आपको यहां पे भी इक्वल दिया गया है 38 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 21 प्लस 25 जो कि आपके पास इक्वल होगा 46 के इक्वल होगा, और आपको यहां पे इक्वल दिया गया है 92 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 62 प्लस 75 जो कि आपके पास इक्वल होगा 137 के इक्वल होगा, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 52 प्लस 48 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका, यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, 14 प्लस 24 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 38 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि आपके पास है 14, और उसी 14 का लेना है आपको 10th प्लेस जो कि आपके पास है 1, और उसी 1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 38 मल्टीप्लाई 1 जो कि आपके पास इक्वल होगा 38 के इक्वल होगा। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर का सम, 21 प्लस 25 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 46 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि आपके पास है 21, और उसी 21 का लेना है आपको 10th प्लेस जो कि आपके पास है 2, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है 46 मल्टीप्लाई 2 जो कि आपके पास इक्वल होगा 92 के इक्वल होगा, और 92 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको प्लस करना है 62 प्लस 75 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 137 के इक्वल होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि आपके पास है 62, और उसी 62 का लेना है आपको 10th प्लेस जो कि आपके पास है 6, और उसी 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 137 मल्टीप्लाई 6 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 822 के इक्वल होगा, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। लास्ट वाले स्टेप में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, 52 प्लस 48 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि आपके पास है 52, और उसी 52 का लेना है आपको 10th प्लेस जो कि आपके पास होगा 5, और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई 5 जो कि आपके पास इक्वल होगा 500 के इक्वल होगा, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपके पास क्या आएगा, 500 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड अ इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।